इन दिस वीडियो ऑफ DIY, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कीपैड को आर्डुइनो के साथ और आपको कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी चाहिए, आर्डुइनो कीपैड काम कैसे करता है और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। सो विदाउट गेटिंग डिलेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। इसको बनाने के लिए हम लोग को चाहिए एक आर्डुइनो यूनो बोर्ड या फिर कोई भी आर्डुइनो बोर्ड, एक कीपैड 16 कीज़ वाला या फिर 12 कीज़ वाला जो भी आपके पास है, और कुछ वायर्स। सो ये कीपैड काम कैसे करता है, तो इस कीपैड का काम करने का फंक्शंस बहुत सिंपल है। इसमें जो बटन्स लगे होते हैं वो ऑर्डिनरी पुश बटन्स होते हैं। इसको रोज़ और कॉलम्स के टाइप में एक मैट्रिक्स बनाकर लगाया जाता है और इसमें सारे रोज़ को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और सारे कॉलम्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर आर्डुइनो जो है सारे कॉलम्स वाले जो पिन हैं उनको हाई कर देता है और सारे रोज़ वालों को लो कर देता है। जब भी कोई बटन प्रेस किया जाता है तो कॉलम्स से जो करंट है वो जाता है रोज़ वाले पिन में और रोज़ वाला पिन उसी समय इमिडिएटली आपको सारे पिन्स को रोज़ वाले हाई कर देता है और फिर रोज़ जो है वो करंट भेजना शुरू कर देता है कॉलम में। और ऐसे ही आर्डुइनो पता लगा लेता है कि कौन सा बटन प्रेस किया गया है। इसमें हम लोग सारे बटन्स को, ज़रूरी नहीं कि इस पे जो प्रिंटेड है वही नेम दे, हम लोग अपने मन से कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊँगा जब मैं आपको लाइब्रेरी बताऊँगा। सो लेट्स डू दी वायरिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। ये है कीपैड, तो मैंने ये बनाया है जंक्शन। ये बहुत ही सिंपल है, 8 पिंस इधर है, 8 पिंस इधर है, कनेक्ट किया हुआ एक साथ। इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे करूँ जैसे मन, उस तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ। सिर्फ रोज़ और कॉलम्स का ध्यान देना है। ये सारे रोज के लिए है और ये सारे कॉलम्स के लिए है। ये 0 है, ये 7 है। यहाँ पर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है, इसको हो गया कनेक्ट, वेरी सिंपल। 0 से लेकर 5 तक कॉलम्स, 4 से लेकर 7 तक रोज, अब एक साथ कनेक्टेड। हाँ, अगर हम लोग सीरियल मॉनिटर पे अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पिन 1 है, जैसा कि आप इस पर देख सकेंगे, यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है TX पिन। सो ये ट्रांसफरिंग के लिए यूज़ होता है सीरियल मॉनिटर के द्वारा, तो हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को और किसी सेंसर्स या फिर मॉड्यूल्स को डेटा रिसीव करने के लिए, जब सीरियल मॉनिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और बाकी सारे प्रोजेक्ट जिनमें सीरियल मॉनिटर्स का यूज़ नहीं हो रहा है या सीरियल मॉनिटर को इनिशिएट नहीं किया गया है, वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, बट अभी नहीं, जब हम लोग सीरियल मॉनिटर पे इसका प्रिंट लेंगे, क्योंकि हम लोग जब कीपैड को टेस्ट करेंगे तब सीरियल मॉनिटर पे टेस्ट करेंगे, तो इसीलिए मैं सारे पिंस में ये वायर्स जोड़ दे रहा हूँ। सारे वायर्स जोड़ने के बाद सारे पिन्स को अब मैं आर्डुइनो से जोड़ दूंगा। सिर्फ पिन नंबर 1 पर जो जा रहा था पिन, उसको मैं जोड़ दूंगा 8 पर। ओ, वायरिंग शुरू करते हैं। सारे पिन्स कनेक्ट हो गए हैं, अब इसमें कोड अपलोड करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। सो अब हम लोग इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो पहले तो आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने आर्डिनो आईडी में, कीपैड की लाइब्रेरी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर ये जिप फाइल को डाउनलोड कर लें।
तो यहाँ मैंने डाउनलोड किया, ये आप अपना फोल्डर चुन कर यहाँ पर डाउनलोड कर ले। जिप फाइल डाउनलोड करने के बाद फिर जाना है हम लोग को अपने आर्डिनो आईडी में और स्केचेस में ऐड जिप लाइब्रेरी में जाना है, डाउनलोड्स में। ये रहा कीपैड और ये हो गया इंस्टॉल। अब फाइल्स में एग्जांपल में कीपैड के एग्जांपल्स आ गए होंगे क्योंकि हम लोग ने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली है, तो यहाँ पर कीपैड के एग्जांपल्स आ गए हैं। इसमें कस्टम कीपैड पर जाना है। कस्टम कीपैड में हम लोग अपना की का मैप बना सकते हैं और यूजुअली यही यूज़ होता है किसी भी आर्डिनो प्रोजेक्ट में कीपैड को डालने के लिए। तो मेरा तो कीपैड जो है ये है 4x4 वाला, बट बहुत सारे कीपैड आते हैं जिसमें 12 ही कीज़ होते हैं, यानी 3x4। तो वहाँ पर आप अपने कॉलम के नंबर को 3 कर सकते हैं, बट मेरा तो 4x4 है इसीलिए मैं यहाँ पर 4 रखा हुआ हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको जहाँ पर हेक्सा कीज़ दिख रहा है, ये जो है आपको की का मैप है। जैसे कि यहाँ पर की पर जो नंबर लिखे हुए हैं इनको हम लोग को यहाँ पर इनपुट करना है। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2, और ऐसे ही मेरे कीपैड पर जो नंबरिंग का ऑर्डर है उस ऑर्डर में यहाँ पर मेरे को नंबर डालना है। नंबर, साइंस, जो भी लिखा हुआ है, जो भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है वो यहाँ पर डाल देना है। ये इस कीपैड का मैप है। फिर उसके बाद यहाँ पर पिन सेलेक्ट करना है कि कौन सा पिन किस काम आएगा। तो अभी तो हम लोग को इसको सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं पिन 1 को जो है पिन 8 पर चेंज कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका लाइब्रेरी अपना काम कर रहा है, कस्टम कीपैड हमारा इसका नाम है, कीपैड का नाम रखा गया है, एक नेम दिया गया कीपैड को कस्टम कीपैड नाम का, और यहाँ पर कीपैड की लाइब्रेरी का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर इसको सारा डेटा दिया गया है कि हेक्सा कीज़ कौन कौन सी है, कौन कौन सा की मैप है, कितने रो पिन हैं और कितने कौन कौन रो के पिन हैं, कौन कौन कॉलम के पिन हैं, और कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। फिर यहाँ पर सीरियल को बिगिन किया गया है, यहाँ पर 4 का यूज़ किया गया है, 4 यानी कैरेक्टर कैरेक्टर का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये क्या करता है कि कस्टम की को एक कैरेक्टर के नाम से जान लेता है। फिर ये क्या करेगा कि कस्टम कीपैड जो यहाँ पर हमने आइटम बनाया था, ये वाला जो हमने अपने कीपैड को नेम दिया था, ये कस्टम कीपैड को एक लाइब्रेरी का एक फंक्शन का यूज़ कर रहा है गेट की, यानी कि हम लोग जिस बटन को प्रेस कर रहे हैं वो लाइब्रेरी जो है उसको सेंस करेगा, और जो हम लोग ने की मैप डाला हुआ है उससे वो एक की निकालेगा, और वो जो की है वो एक कैरेक्टर है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर भी कैरेक्टर हेक्सा कीज़ को भी कैरेक्टर के नाम से जाना है, तो कस्टम की भी कैरेक्टर के नाम से जाना जाएगा। तो कस्टम की वो कैरेक्टर को स्टोर करके रखेगा जो बटन प्रेस करने पर जनरेट हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर डाला हुआ है इफ़ कस्टम की, यानी कस्टम की में अगर कोई कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, कोई सेंस हो रहा है कैरेक्टर का, तो उस कैरेक्टर को सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करना है। तो यहाँ पर इस कोड को कंपाइल कर लेते हैं फिर अपलोड कर देंगे। तो कोड कंपाइल हो गया है, यानी कोड में कोई एरर नहीं है। अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं बता दूंगा कि क्या एरर है। अब इस कोड को अपलोड कर कर बोर्ड में टेस्ट करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो अब कोड अपलोड कर कर इसको टेस्ट करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो पहले बोर्ड को मैं प्लग इन कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में। उसके बाद कॉम पोर्ट चेक कर लेता हूँ। उसके बाद कोड को कर देते हैं अपलोड। तो यहाँ देख सकते हैं कि कोड अभी अपलोड होगा, कंपाइल हो रहा है और ये कोड हो गया अपलोड। अब सीरियल मॉनिटर खोलते हैं और चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं।
तो यहाँ मैंने सीरियल नंबर खोला और मैं यहाँ प्रेस करके देखता हूँ इसको। वो तो आप देख रहे होंगे कि मैं अगर वन प्रेस कर रहा हूँ, जो नंबर की प्रेस कर रहा हूँ वही लिखा जा रहा है सीरियल मॉनिटर पर। सो ये एक बेसिक कीपैड को सेटअप करने का तरीका है। अब इस कोड का यूज़ कर कर किसी भी प्रोजेक्ट में कीपैड का यूज़ किया जा सकता है। सो ये कीपैड काम कर रहा है और अब हम लोग इस कीपैड को अलग अलग प्रोजेक्ट्स के में भी यूज़ कर सकते हैं इस लाइब्रेरी की मदद से। होप सो कि आपको देखने में मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे इस पेज के नीचे एक और बटन है लाल कलर का, सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा उस पर, उसको दबा दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे इसी टाइप के DIY। थैंक्स फॉर वॉचिंग।